तो वेलकम है गाइस आपका WWE 2K22 की इस वीडियो के अंदर, जिसके लिए मैंने इंतजार आपको थोड़ा सा ज्यादा करवा दिया, लेकिन बहुत मस्त सी वीडियो होने वाली है। दो कॉन्सेप्ट को इसमें मिला के चीज आने वाली है। मैं करने वाला हूँ WWE 2K22 के अंदर माई जीम वाला मोड। आप बेसिकली से कह सकते हो ड्राफ्ट, मतलब वो होता नहीं है, आप नहीं कहते थे कि अगर तू अपना कभी रोस्टर बनाएगा तो तू अपने ब्रांड में किसको रखेगा क्या रखेगा, तो आज वही सब करने वाला, वो भी बजट के अंदर। कुछ एक्साइटिंग है और मैं अकेला नहीं हूँ इस वीडियो के अंदर, मेरे साथ जो है हिमांशु है। अब ये क्यों है, ये सिर्फ इसलिए, देखो भाई दो दो बंदे होते हैं तो मजा भी ज्यादा आता है मिला करके। हाँ। और चीज नई नई चीजें, मैं क्या पता कुछ चीज तेरे से छूट जाए तो मैं उसको एक्सप्लोर कर लूँ। अच्छा, ये तो ये पॉजिटिव साइड सोच रहे, लेकिन मैं तो ये सोच के लाया हूँ कि जैसे वो एक के साथ एक मुफ्त वाली चीज मिल जाती है ना, तो अच्छा, मैं तो उस कॉन्सेप्ट के साथ से लेके आया। माय जीएम मोड को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखा है स्टेफनी मैकमैन है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई सब अभी खाली खाली पड़ा हुआ है सारा, यहाँ पे सारा मामला खाली पड़ा हुआ है। एडम पियर्स, सोनिया डिविल, विलियम रीगल, शेन मैकमैन, स्टेफनी, और मैं सही बताऊँ मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो मैं यहाँ पे तेरे से पूछूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं अपना बना रहा हूँ, तो सिर्फ उस पर ओपिनियन देना, तेरा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा हील वाली साइड पे जाना पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है, तो मैं स्टेफनी मैकमैन को लेने वाला हूँ। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, इसके साथ ना हमको एक पावर मिल रही है, ई जी एम एंड ब्रांड हैव अ यूनिक पावर कार्ड। अब इस पावर कार्ड में क्या होगा कि द मैकमैन प्रेजेंस का पावर कार्ड इसके साथ ऑटोमेटिकली आता है, कि जितने भी, जैसे मैं अपना माई जीएम मोड चलाऊंगा तो जब एरेना वगैरह भरेगा, लोग मुझे देखने आएंगे, तो मेरे अपना अपना पैसा डबल होगा यहाँ पे। तो ये इसका एक कार्ड है, पावर कार्ड है, मतलब डबल। हाँ भाई, इसको तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। हाँ, तो ये माई जीएम के साथ में जाता हूँ, और ब्रांड रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी या एनएक्सटी यूके, मैं जाऊंगा दिस इज वॉर रॉ के साथ। देखो दो, मैं दो में से ही देख रहा था एनएक्सटी। भाई स्टेफनी का नाम आते ही रॉ मेरे दिमाग में आता है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो चल रॉ मैंने ले लिया। ठीक है, तो ईच जीएम एंड ब्रांड हैव अ यूनिक पावर कार्ड, ये तो हमें पता है। अच्छा जी, तो अपोनेंट मेरे को यहाँ पे अपना क्या चाहिए, ए मैं लेकिन फिर भी एआई के साथ जाऊंगा, और भाई इसमें तो एआई और मुश्किल से नहीं पड़ता है। और शेन मैकमैन, शेन मैकमैन, और उसको मैं दूंगा ऑब्वियसली स्मैकडाउन ब्रांड। एआई डिफिकल्टी भाई सबसे सबसे कठिन जो है लेजेंड। अच्छा, लेजेंड है ही नहीं इसमें, हार्ड इजी नॉर्मल हार्ड, थोड़ा सा रैम कर लिया, नॉर्मल कर लिया। ठीक, चल ठीक कर लिया सर, चलो नॉर्मली करता हूँ। ड्यूरेशन मैं इसकी रखूँ, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसको क्या रखो, द नंबर ऑफ वीक दैट द सेशन विल रन फॉर, तो 15, 25 या 25 का रख ले, कुछ 25 रख ले। अच्छा, ड्राफ्ट पूल, मैं यहाँ पे अपना पूल भी बना सकता हूँ, डिफॉल्ट के अलावा कस्टम है, डिफॉल्ट है कस्टम। कस्टम में जाके यहाँ पे मैं अपना पूल सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सुपरस्टार्स को ले सकता हूँ कि पूल में मेरे को किसी किसे डालना है, क्या 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 मेरे पास ऑप्शन है। तो ऐसे रखूँ या फिर रैंडम रखूँ, रैंडम करूंगा तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, रैंडम में हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा भाई, कोई ऐसे बेकार बेकार से मिल गया तो कोई बात नहीं भाई, फिर मेरा जीएम मोड सड़ जाएगा। डिफॉल्ट में रखता हूँ इसे। हाँ, और ड्राफ्ट सेटिंग, द मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग सुपरस्टार इधर डन मैनुअली बाय द प्लेयर्स और डन ऑटोमेटिकली। इसको भी ऑटोमेटिकली रख ले, जब ऊपर तुमने डिफॉल्ट रख लिया तो। द मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग सुपरस्टार्स इधर डन मैनुअली by the players or done automatically. Automatically कर ले। तो ये रहा, each GM will start with a budget of $275,000. GM will take turns. अच्छा, ये भी मैं बताया। There will be 8 rounds of drafting. ठीक है, tips. मतलब 16 superstar total. 8 round होंगे तो। एक उसका है ना? After 8th round, drafting becomes optional. मतलब उसके बाद में हम चालू कर सकते हैं। और दूसरा फिर है, GMs can press the ये वाला बटन टू गेट रिकमेंडेशन एंड ये वाला बटन भाई पता नहीं है इसे। जो भी है, ठीक है, तो ठीक है भाई, ये क्या तू कुछ दोबारा आएगा? अच्छा, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ था भाई। भाई बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया लगता, सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। और बैठा ले, मैं ऑटोमेटिक में मैनुअल कर रहा था, इसको बैठाने का यही नतीजा है। हेड क्या बकवास हो गई, पोपट हो गया बहुत बुरा वाला। अच्छा, तो पिछली बार की गलती फुला के अब इसको मैनुअल करते हैं, और अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो, अब मैं कैसा रोस्टर बनाता हूँ, वैसे रोस्टर भी नहीं बनाया किसी ने। ठीक है, ये भी पता है अपन को। हाँ हाँ, माइकल को। ठीक है, तो माय फर्स्ट पिक इज गोना बी भाई है वो जो सोच रहा है, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, तो वही लेने जा रहा है तू। ओ भाई, अपना फेवरेट, आई एम गोना पिक रैंडी ओटन। तूने आर से कुछ सोचा होगा, बट वो अगर मेरे लपेटे में आया तो लेंगे। तो माय फर्स्ट पिक, मेरे को लग रहा है वो दूसरे ड्राफ्ट में पहले नंबर पे चले जाएगा। इट्स रैंडी ओटन, और स्मैकडाउन सिलेक्ट करता है जॉन सीना। ओके, अब तू कर ले वो तेरे पास। माय टर्न, और मैं इस बंदे को तो नहीं छोड़ने वाला अपने हाथों से बिल्कुल भी। है भी या नहीं, कहाँ है भाई तू? ओ भाई
भाई है ही नहीं, मतलब कि इन बेशर्मों ने, अगर मैंने इनको पूल नॉर्मल रखने का क्या कर दिया, इन्होंने रोमन रेंस को पूल में डाला ही नहीं है, क्या कर सकते हैं फिलहाल। तो मुझे ड्रू मैकेंटायर मुझे लग रहा है। आई थिंक आई एम गोना गो विद एजे स्टाइल्स। अच्छा एक वीडियो एडिट करते करते मुझे ये बात ध्यान आया कि भाई अगर रोमन रेंस मैंने नहीं भी लिया है तो मैं आगे जाके जीएम मोड में उसको ले सकता हूँ, मतलब ट्रेड कर सकता हूँ मैं। तो मेरी जीएम मोड की अब ये भी कहानी लेने वाली है कि क्या रोमन रेंस मेरे रोस्टर पे आ पाएगा। तो वो अच्छा ही हुआ रोमन रेंस नहीं आया, अब रोमन रेंस को पाने में एक अलग मजा आएगा ना। तो जब जीएम मोड की आगे वीडियोज आएंगी तो आपको पता चलेगी, लेकिन रोहित पंत गेमिंग पर आएगी, इस चैनल पर ही पहली वीडियो है। तो रोमन रेंस ले पाता है नहीं, वो मैं देखता हूँ, कोशिश रहेगी पूरी। भाई रोमन रेंस नहीं आया अब क्या कर सकते, नहीं आया तो नहीं आया, और मुझे बजट पर भी तो रखना है अपना ध्यान भाई, वो तो तेरा आधा बजट ले जाएगा। अब मैं ड्रू मैकेंटायर को ही लूंगा। कहाँ है भाई राहुल नाम का, कौन था? अच्छा राहुल है वो, ड्रू मैकेंटायर। ठीक है नेक्स्ट पिक मेरी विमेंस डिवीजन से होने वाली। अरे ये अकिरा टोजावा कौन लेता भाई? उसने अकिरा टोजावा लिया है मेरे एजे स्टाइल्स के सामने। ठीक है अब मेरे को विमेंस डिवीजन की सुपरस्टार चाहिए, एंड मैं जाऊंगा with Rhea Ripley. Rhea Ripley. The nightmare heads to a new night. A down and सामने से आया है Finn Balor. Rhea Ripley के सामने Finn Balor. अच्छा. But I'm gonna go with Edge. Edge लिया मैंने, और SmackDown से Edge के सामने आते हैं, ओ भाई ये Eric. भाई ये कौन सा मुस्टंडा था? अरे वाइकिंग रेडर्स के भाई, ये देखो इसके सामने ना, मुझे पता था उसका नाम। मैं इतनी वीडियोस बनाता हूँ, मेरे सामने मैं यहाँ शूट कर रहा होता हूँ, यही बैठा होता है। इस आदमी को ये नहीं पता है सुपरस्टार कौन है भाई। हाँ ठीक है अब रैंडी ओटन आ गया, तो भाई रिडल ना है तो मजा कैसे आएगा। कीथ ली मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि वो मेरे को अपना रोस्टर आउटडेटेड लगेगा। अच्छा बंदा है नहीं ना। इट्स द ब्रो रिडल। रिडल के सामने स्मैकडाउन से आती है शेना बेजर। हाँ ये अच्छी पिक है। नेक्स्ट मुझे चाहिए क्या लूं भाई। ये मेरा रोस्टर एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है जैसे मैं चाह रहा था, क्योंकि भाई देखो मैंने इसको ना थोड़ा अपने लिए वो रखा कि मैं वो सारे सुपरस्टार्स मैं चाहता तो पूल बना सकता था, उसमें रोमन रेंस सारे सुपरस्टार्स को डाल के कर सकता था, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होना चाहिए ना। और आगे जाके ना मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, अभी तो ये वीडियो यहाँ पर शूट हो रही है, नेक्स्ट जब आगे वीडियोज आएंगी तो गेमिंग चैनल के ऊपर इस जनरल मैनेजर मोड को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ड्राफ्ट यहाँ पे होने वाला है, बाकी जनरल मैनेजर मोड कंटिन्यू करेंगे रोहित पंत गेमिंग वाले चैनल के ऊपर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीएम मोड वहीं पे कंटिन्यू होगा, यहाँ पे सिर्फ ड्राफ्ट हो रहा है। बहुत बोल दिया मैंने भाई, सस्ते में ले रहा है, इसके बाद बहुत पैसा बच जाएगा, ये बाद में कहीं यूज करेगा। कौन ये सामने वाला? ये जो दूसरा वाला है स्मैकडाउन के पास, मैं अपना इसमें साथ आगे ऐसा हिसाब भी है कुछ। हाँ शो को बनाने का ऐसा भी है कि पैसे बचा के भी रखने भाई। तो भाई तू तो बिल्कुल टॉप पिक कर रहा है। ना ना टॉप 2 लाख से ऊपर का ही, $2 लाख से ऊपर का ही जा रहे तेरे मामले। डोमेन प्रीस्ट ले ले। मुझे एक अच्छा हील चाहिए, और वो मैं हैप्पी कॉर्बिन के साथ रहूँगा। हैप्पी कॉर्बिन के साथ ही हैप्पी रहेगा फुल। लाना हैप्पी कॉर्बिन के सामने लाना है। नेक्स्ट किसे लूँ? अच्छा विमेंस डिवीजन की एक और सुपरस्टार उठाता हूँ। तमीना को ले ले। नो व्हाट अबाउट नाया जैक्स? नाया जैक्स तो अभी है ही है ना। नाया जैक्स नहीं यार। ठीक है तो थोड़ा सा ग्लैमर लेके आते हैं शो के ऊपर, एंड मैंडी रोज। भाई इससे भी इंपैक्ट पड़ता है क्या? हाँ, वैसे यहाँ पे इनके एल्गोरिथम वैसे तो रियलिटी में तो पड़ता है वैसे रियलिटी में तो बहुत पड़ता है। रियलिटी में ग्लैमर का बहुत फर्क पड़ता है, देखते हैं इस गेम में कितना पड़ता है। तो अभी हमको ड्राफ्ट जो है कंटिन्यू रखना है। अभी मेरा मन नहीं भरा है कितने सुपरस्टार्स लूंगा मैं, इतने लूंगा कि अबे कितना बजट है मेरा? अच्छा है ना, अभी जैसे 2.5 था तो एक है ना, 1.5 ही तो उड़ा है अभी तक, आधा उड़ गया। हाँ नेक्स्ट जिंदर भाई, इसके साथ तो एक फ्री गिफ्ट भी आना चाहिए। क्या अकेला सुनना जाता है शैंकी? अच्छा भी वो है क्या? अच्छा जैसे मेरे साथ ये फ्री गिफ्ट आया वैसे कह रहा है? अच्छा नहीं, वो पहले दो क्या कहते हैं बॉलीवुड बॉयज। अच्छा सिंह ब्रदर्स। हाँ भाई मुझे ये बंदा बहुत पसंद है, मैं डेक्स्टर ल्यूमिस को लूंगा अपने रोस्टर में। ये कौन है? इसके हाथ काले क्यों पड़े?
वो टैटू है भाई, मैं इसलिए आया आ रहा है। ठीक है, अब मैं सुपरस्टार्स को थोड़ा ऐसे पिक करता हूँ कि जो मुझे सस्ते में मिल जाए लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल अच्छी हो। आई थिंक टायलर ब्रीज अभी भी है क्या? मुस्तफा अली, मुस्तफा अली। तो अभी मेरे पास बजट, मैं अपना $200,000 तक के पैसे बचा के रखूंगा, तब तक मैं अब थोड़े सस्ते से बिगी ले लूँ यार। भाई ऐसा देख लेना, पता चला तू एक शो भी नहीं करा पाया फिर एक किसी को। अच्छा, इसको राहुल बोल रहा था क्या तू? रॉल मेंडोजा, कैमरन ग्राइम्स, आइवा, टी बार, किसके साथ जाऊँ? अब मुझे थोड़े सस्ते सस्ते में लेने हैं। जिगलर को मैं कैसे नहीं लूँ भाई अपने रोस्टर में, अगर नहीं ली तो ज्यादती होगी। अच्छा, अब मैं एक विमेंस डिवीजन की सुपरस्टार ले रहा हूँ, उसके बाद मेरा काम हो गया। कोई सस्ती सी शॉर्ट्सी ब्लैक हार्ट मुझे, रकेल गोंजालेस, कैसे बोल सकता हूँ, गोंजालेस। ठीक है, आई थिंक मेरा ड्राफ्ट तो हो चुका। उसके पास $364,000 है और मेरे पास 200K। अब मैं इससे ऊपर नहीं, अब जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं ड्राफ्ट जो है यहाँ पे क्विट करता हूँ अपना। ओह सॉरी, क्विट नहीं करना, चप्पल फेंक के मारी इधर मुंह में। रुको, मुझे अपना ड्राफ्ट एंड करना है। ठीक है, एंड ड्राफ्ट, एंड द ड्राफ्ट एंड कंफर्म द करंट रोस्टर। ठीक है जी, तो स्टेफनी मैकमैन के साथ भाई, आए हाय हाय, क्या सजा हुआ लग रहा है मेरा सुपरस्टार, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। रोमन रेंज को मैं लेता जरूर, बट वो यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे भाई। ऐसा दिखाना चाहिए था, इधर इसका इधर उसका, ये तो सब। अरे वो अभी भी लेने पे है, मैंने ज्यादा पैसे बचा लिए क्या अपने? अच्छा, तो यहाँ पे जॉन सीना, फिन बैलर जैसे बड़े नाम सामने से दिख रहे हैं। बाकी पैकेज कच्चा पक्का सा नहीं लग रहा तुझे, मेरे सामने क्या ही टिकेंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना पूरा रोस्टर, जहाँ पे अरे हट जा मक्खी, जहाँ पे ड्रू मैकइंटायर के सामने है, जॉन सीना, एज के सामने, बैकी लिंच, एज स्टाइल्स के सामने, फिन बैलर। अब भाई तुम लोग खुद बताओ यार, किसने बड़ा रोस्टर पिक किया है? ये AI क्या है, इन्हें 200 पोस्टर ज़्यादा ले ली तो क्या उखाड़ ले भाई, मेरा रोस्टर देखो। तो मेरा रोस्टर भाई कुछ ऐसा होता अगर मैं जनरल मैनेजर बनता, मतलब एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं होता बट जितना क्लोज टू हो सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर मुझे सुपरस्टार्स को ऐसे उठाने का मौका मिले, मेरी पिक क्या होंगे, तो वो कुछ ऐसे थे। तू क्या कुल मिला करके सही, तू अपनी बड़ाई कर रहा है कि मैंने अच्छा ले लिया? तो मैंने लिया, मैं तो अच्छा लिया होगा। अच्छा तू बता, तेरे को क्या लग रहा है मेरे रोस्टर के बारे में? बढ़िया है, नहीं है? दो कम है, अगर असलियत में मार पिटाई हो गई। हाँ तो दो हैं, तो भाई दिया जाएगा उधर से मेरे पास सबसे तगड़े तगड़े भी हैं, रैंडी ओटन दो के ऊपर भारी है, एज और ड्रू मैकइंटायर, और उधर से देख उधर जॉन्स नहीं तो है ना तगड़ा। चल मैं इससे कम्पीट कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का रोस्टर था। तो माई GMO WWE 2K22 का, हाँ तो Washington DC हम पहले हफ्ते में एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से भैया आप HHH जो है हमको मैसेज वगैरह दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं आज तुम्हारा शो है, यहाँ से डेब्यू होने वाला है। अभी इस चीज़ को मैं नेक्स्ट जाके कंटिन्यू करूँगा, बट ये कुछ मेरा GM मोड रहता जिस तरीके से मैंने सुपरस्टार्स को ड्राफ्ट किया। आपको कैसा लगा? देखो मैंने लिमिटेड किया, मैंने सुपरस्टार्स का पूल नहीं बनाया कि मैं अलग से इन सुपरस्टार्स को डालूंगा और उनमें से लूंगा, जो रैंडमली मेरे पास आया मैंने वो पिक किया, और ये फ्री का आइटम आया था यहाँ पे, मैंने सोचा था मैं अकेले क्या बकवास करूँ, मैंने सोचा मैं अकेले क्या बकवास करूँ, इसको भी साथ में ले लेता हूँ। तो ये माय GM मोड था, बाकी GM मोड कंटिन्यू होगा गेमिंग चैनल के ऊपर, रोहित पंत गेमिंग, डिस्क्रिप्शन में लेंगे या फिर टाइटल में टैग भी कर दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियोस तो आगे कंटिन्यू रहेंगी चैनल के ऊपर। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर दो, और लाइव स्ट्रीम भी आती रहेगी। हाँ, लाइव स्ट्रीम भी आती रहेगी, एंड ये तो मेरे चैनल है तो यहाँ पे हम वो वाली लाइन नहीं बोलेंगे, मैं ही बोलूँगा सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।